IPL 2021 का सीजन शुरू होने वाला है और सभी टीमें अपना कैंप लगाने जा रही हैं। तो वहीं CSK की टीम ने ऐलान कर दिया है कि वो 11 मार्च से अपना कैंप लगाएगी और वहीं महेंद्र सिंह धोनी 11 मार्च से ही कैंप में शामिल होंगे। IPL का सीजन शुरू होने को है तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई की टीम 11 मार्च से कैंप लगाने जा रही है। कैंप की शुरुआत चेन्नई के चिपॉक से होगी। टीम के बाकी खिलाड़ी तो कैंप का हिस्सा बाद में बनेंगे, लेकिन कप्तान धोनी और अंबाती रायडू कैंप पे पहले दिन 11 मार्च से ही मौजूद रहने वाले हैं। धोनी बीते साल भी चेन्नई के कैंप में सबसे पहले पहुंचे थे और कैंप का हिस्सा बने थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो कैंप रद्द हो गया था। चेन्नई की टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि हमारी टीम का कैंप 11 मार्च से शुरू होगा और कप्तान धोनी के साथ कुछ खिलाड़ी पहले दिन से कैंप का हिस्सा बन जाएंगे। तो वही धोनी के एयरपोर्ट की फोटो भी CSK के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है, जिसमें वो चेन्नई के लिए रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई का बीता सीजन कुछ खास नहीं गया था। टीम के प्रदर्शन पर नजर डाले तो टीम ने 14 में से 6 मैचों में जीत दर्ज की और 8 में से उसे हार मिली। ये पहला ऐसा मौका है जब चेन्नई की टीम प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। धोनी टीम के साथ पहले दिन से मौजूद रहने वाले हैं और पहले दिन से प्रैक्टिस में हाथ आजमाते दिखेंगे। वैसे भी CSK की टीम ने कई बदलाव किए हैं और खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। उम्मीद है कि टीम इस बार कुछ कमाल कर दिखाएगी और ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी।